इस समय की बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है कि सीआईडी फेम दिनेश फडणीस का निधन हो गया है। 57 की उम्र में दिनेश ने आखिरी सांस ली है। रविवार को ही दिनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले कहा जा रहा था कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन एक्टर दयानंद सेठी ने फिर बताया कि दिनेश को लीवर डैमेज की दिक्कत है। फैंस उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन किसी की भी प्रार्थना काम नहीं आई और दिनेश हम सबको छोड़कर चले गए हैं। बता दें कि एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई में ही होगा और सीआईडी की पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ गई है। ई टाइम से बात करते हुए सीआईडी एक्टर दयानंद सेठी ने बताया है कि रात 12 बजे के आसपास दिनेश का निधन हुआ है। मैं उनके घर पर ही था। सीआईडी की पूरी टीम भी वहां मौजूद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें और नई अपडेट के लिए अंश न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।